माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस लेक्चर फॉर क्लास 12 एंड वी लर्न चैप्टर नंबर 2, इट्स नेम इज सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आएगा कि सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। नहीं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन गैस फॉर्म में भी होता है एंड सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कैसा होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलो, सॉल्यूशन जो है वो कैसे टू टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर के जिसके अंदर जो है वो हम सॉल्यूट के पार्टिकल कौन है, सॉल्वेंट के पार्टिकल कौन है वो हम देख नहीं पाएंगे। ओके, तो ऐसा वाला होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली जो है वो उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, मैं बाद में इसे एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, अब ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो क्या है, यहाँ पे एक मैं बीकर लेती हूँ। चलो, बीकर के अंदर जो है मैंने वाटर भरा है। सपोज ऊपर से जो है मैं यहाँ पे NaCl ऐड करती हूँ। सपोज मैंने जो है वो यहाँ पे 1 ग्राम NaCl जो है वो ऐड किया है एंड यहाँ पे ये देखे तो 100 ml जो है वो वाटर है। ओके, तो दोनों में से लार्ज अमाउंट में कौन है, ये वाटर जो है कैसा है, लार्ज अमाउंट में है। ओके, एंड NaCl इज इन स्मॉल अमाउंट। तो जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो हमारे लिए क्या होता है, सॉल्यूट। ओके, देखते हैं हम यहाँ पे, सी यहाँ पे मैंने वाटर लिया है ग्लास के अंदर। ओके, तो ये जो है वो लार्ज अमाउंट में है और इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ। इसके अंदर सॉल्ट जो है वो ऐड कर दिया, अभी इसे डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। कम्प्लीटली डिसॉल्व होने के बाद हम जो है वो देख नहीं पाएंगे कि कौन से मॉलिक्यूलर जो है वो सॉल्ट के हैं एंड कौन से मॉलिक्यूलर जो है वाटर के हैं, बिकॉज के ये जो है बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलो, यहाँ पे देख लिया हमने, लार्ज अमाउंट में है वाटर, तो वो हमारे लिए क्या होगा, सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट जो है वो होगा, जो लार्ज अमाउंट में होता है वो हमारे लिए सॉल्वेंट होगा। ऊपर से क्या ऐड किया, NaCl सॉल्ट जो है वो मैंने ऐड किया एंड वो कितना था, ओनली 1 स्पून। तो वाटर के कंपेयर में सॉल्यूट जो है मैंने कम ऐड किया। ओके, तो यहाँ पे जो लेस अमाउंट में होता है इट्स कॉल्ड सॉल्यूट एंड जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, तो बीकर में जो है मैंने वाटर लिया, वाटर जो है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में है, सो इट्स नोन एज अ सॉल्वेंट। एंड ऊपर से जो मैंने NaCl ऐड किया है वो कैसा है, स्मॉल अमाउंट में है, तो इट्स नोन एज अ सॉल्यूट। ओके, समझ गए। एंड व्हाट अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब देखो ऐसा वाला मिक्सचर कि जिसके अंदर जो है वो सॉल्ट एंड वाटर के मॉलिक्यूलर जो है वो कम्प्लीटली ऐसे यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन से वाटर के मॉलिक्यूलर है एंड कौन से सॉल्ट के मॉलिक्यूलर है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब मैं यहाँ से थोड़े वाटर ले लू ना, थोड़ा सा पानी ले लू तो उसके अंदर भी NaCl प्रेजेंट होगा, अगर मैं इस कॉर्नर में से थोड़ा पानी ले लू तो उसके अंदर भी जो है वो NaCl प्रेजेंट हो। एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मतलब यहाँ से इस कॉर्नर में से मैंने थोड़ा पानी लिया, उसके अंदर 4 NaCl के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो अगर मैं यहां से मैं ले लू तो वहां पे भी 4 NaCl के मॉलिक्यूलर ही प्रेजेंट होंगे। ओके, इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जो हमारा सॉल्यूट जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, हम इसे नेकेड आई से डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन से वाटर के मॉलिक्यूलर है एंड कौन से हमारा जो है हमने NaCl ऐड किया उसके मॉलिक्यूलर है। ओके, तो यहाँ पे देखो वाटर जो है वो यूनिफॉर्मली सॉल्वेंट है बिकॉज के उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो सब सॉल्यूट जो है वो इजिली
जल्दी डिसोल्व होते हैं। जैसे कि NaCl अभी डिसोल्व हो गया, वैसे ही हम उसके अंदर शुगर ऐड करें तो शुगर जो है वो कैसा होगा, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यूरिया ले लेंगे तो यूरिया भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ओके, तो वाटर जो है वो मोस्टली सबको जो है वो अच्छे से डिसोल्व कर लेता है। कुछ ऐसे भी सॉल्यूट है कि जो वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होंगे, तो वो जो है वो हम बाद में देखेंगे, बट आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो अच्छे से पता चल गया कि क्या है। ओके, चलो यहाँ पे देख रहे हैं, सॉल्यूट विच आर इन स्मॉल अमाउंट एंड सॉल्वेंट विच आर इन लार्ज अमाउंट। तो जब भी देखे तो जो लार्ज अमाउंट में है वो हमारा सॉल्वेंट है, जो स्मॉल अमाउंट में है वो हमारा कैसा है, सॉल्यूट है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग टू हमें जो है वो देखना है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो किस टाइप का होगा। ओके, जो लार्ज अमाउंट में होगा ना, लार्ज अमाउंट में हमारा सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो भी क्या होगा, लिक्विड। अगर सॉल्वेंट अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो भी गैस फॉर्म में होगा, एंड अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो भी कैसा होगा, सॉलिड होगा। मतलब जो लार्ज अमाउंट में है वो ही सॉल्यूशन का फेज भी होगा। ओके, तो इसके रिलेटेड हम जो है वो एक टेबल देखते हैं, तो टेबल के अंदर देखेंगे कि कैसे कैसे जो है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो उसके अंदर एड हो रहा है। अच्छा, एक बात देख लेते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर अगर एक ही सॉल्यूट एंड एक ही सॉल्वेंट है तो इट्स नोन एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशन के डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, तो दो सॉल्यूशन विच हैज अ ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बाइनरी सॉल्यूशन विच हैज वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। ओके, एक ही मतलब ये वाला हमारा बाइनरी सॉल्यूशन हो गया कि एक ही सॉल्वेंट है एंड एक ही सॉल्यूट है। ओके, अगर मैंने इसकी जगह पे ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिए तो वो कैसा होगा, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। चलो टर्नरी सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, सपोज के मैंने यहाँ पे एक जो है वो NaCl ऐड किया था, मतलब हमारा सॉल्ट, प्लस अगर मैं शुगर ऐड कर देती हूँ प्लस वाटर, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट कितने हो गए, 3, तो इट्स कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन के बाद आता है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन के अंदर कितने होंगे, 4। सपोज यहाँ पे सॉल्ट लिया है प्लस शुगर लिया है प्लस एक लेमन, नींबू पानी बनाते हैं तो उसके अंदर लेमन भी ऐड करते हैं ना, तो लेमन भी ले लेते हैं, लेमन प्लस वाटर कितने, 4 हो गए, तो इट्स कॉल्ड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। एंड उससे भी ज्यादा अगर हो तो इट्स कॉल्ड पॉलीनरी सॉल्यूशन, पॉलीनरी सॉल्यूशन। चलो पॉलीनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल देखे तो क्या होगा, लाइक एयर। ओके, तो एयर के अंदर क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं, स्मोक भी होता है, अलग अलग टाइप के गैसेस भी होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट भी होते हैं। ओके, तो मतलब वहां पे पूरा एक जो है वो मिक्सचर होता है, तो वो कैसा होगा, पॉलीनरी सॉल्यूशन के, जिसके अंदर ज्यादा जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो ऐड होंगे। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पे आपको ये पूरे चैप्टर के अंदर हमें जो है वो ये वाला बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो ही पढ़ना है कि जिसके अंदर एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो। ओके, चलो तो इतना जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर उसे नोट डाउन कर लो। ओके, तब तक जो है वो दूसरा जो है वो हम टेबल रेडी करते हैं। ओके, चलो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड इट्स एग्जांपल। टाइप ऑफ, मैंने बोला था कि सॉल्यूशन जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। पहले हम लेंगे गैस, ये वाला पूरा टेबल जो है वो आपकी एनसीईआरटी के बुक में है, गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन लेंगे। चलो गैस सॉल्यूशन के अंदर एक बार जो है वो हम सॉलिड लेंगे, लिक्विड लेंगे एंड गैस लेंगे एज अ सॉल्यूट। अगर मैंने सॉल्यूट एज अ सॉलिड लिया है, ओके, एंड सॉल्वेंट जो है वो गैस लिया है,
सॉल्वेंट मीन्स वो जो है वो लार्ज अमाउंट में होगा एंड सॉल्यूट मीन्स वो जो है वो स्मॉल अमाउंट में होगा. ओके तो इसका आपको मुझे एग्जांपल देना है कि कौन ऐसा है कि जो गैस है और उसके अंदर सॉलिड के सम पार्टिकल्स जो है वो मिक्स है. आपको सबको पता है गैस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी गैस ही होगा. अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा. अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट सॉलिड ही होगा. मतलब जो सॉल्यूशन बन रहा है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के ऊपर. ओके क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो कैसा होता है? लार्ज अमाउंट में होता है ना. तो जो लार्ज अमाउंट में है उसी का सॉल्यूशन बनेगा. तो जो सॉल्वेंट का फेज होता है ना वो ही फेज जो है वो सॉल्यूशन का होगा. चलो आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. सॉल्यूट जो है वो हमारा सॉलिड है एंड सॉल्वेंट जो है वो हमारा गैस है. तो गैस के अंदर सम डस्ट के पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ओके तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि स्मोक. ओके स्मोक जो है वो क्या होता है कि एयर के अंदर जो है वो सम डस्ट के पार्टिकल्स या तो फिर कुछ कार्बन के पार्टिकल्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल. तो हमने सॉलिड ले लिया देन लिक्विड. सॉल्यूट लिक्विड है एंड सॉल्वेंट जो है वो गैस है. मतलब गैस के अंदर लिक्विड जो है वो मैंने ऐड किया है. ओके तो ऐसा वाला कोई एग्जांपल लो. तो वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर हमने वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो देखे हैं. ओके तो उसका एग्जांपल होगा ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो गैस के अंदर जो है वो क्या सम वाटर के ड्रॉपलेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो इट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी. सॉलिड लिक्विड एंड गैस. चलो गैस इन गैस. गैस जो है वो गैस के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या आएगा? ये तो हमें पता ही है कि ये एग्जांपल क्या आएगा? एयर. क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस जो है वो मिक्स होते हैं लाइक H2O2N2. कितने जो है बहुत सारे जो है वो गैसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो गैस जो है वो गैस के अंदर ही डिजोल्व है. ओके तो ये हो गया हमारा एक गैस सॉल्यूशन वाला टॉपिक. अब लेते हैं हम लिक्विड. ओके लिक्विड सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन है वही जो है वो सॉल्वेंट होगा. ओके तो यहां पे चलो सब जो है वो क्या आएंगे? लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड. पहले लेंगे सॉलिड प्लस लिक्विड. सॉल्यूट जो है वो हमारा सॉलिड है एंड सॉल्वेंट जो है वो हमारा लिक्विड है. अभी हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट जो है वो हमारा क्या है? लिक्विड है. एंड ऊपर से मैंने जो सॉल्ट ऐड किया वो कैसा था? सॉलिड. तो ये जो है वो एग्जांपल किसका है? लिक्विड सॉल्यूशन का. ओके कि जहां पे सॉल्यूट जो है वो हमारा सॉलिड है एंड सॉल्वेंट जो था जो पानी जो था वो कैसा है? लिक्विड फॉर्म में. तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्ट प्लस वॉटर. सॉल्ट प्लस वॉटर या तो फिर शुगर प्लस वॉटर वो भी लिख सकते हो आप. दूसरा लिक्विड इन लिक्विड. ये भी बहुत ही इजी वाला एग्जांपल है. लाइक नींबू पानी. ओके तो लेमन के ड्रॉप जो है वो कैसे होते हैं? लिक्विड. तो लिक्विड को हमने लिक्विड में डिजोल्व कर दिया तो लेमन इन वॉटर. लेमन इन वॉटर ये हो गया हमारा सिंपल सा एग्जांपल. बट हम दूसरा भी लिखेंगे इथेनॉल इन वॉटर. इथेनॉल इन वॉटर. ओके चलो बाकी क्या रहा है? अभी गैस फॉर्म बाकी रहा. चलो गैस इन लिक्विड. तो ये भी आपको पता है, ये भी बहुत ही कॉमन वाला एग्जांपल है. आप सबने जो है वो सोडा तो पिया ही है ना. सोडा के अंदर क्या होता है कि पानी है, पानी के अंदर जो है वो हम CO2 गैस जो है वो प्रेशराइज करके उसके अंदर डिजोल्व करते हैं. ओके तो वहां पे क्या होता है कि पानी के अंदर गैस जो है वो हमने डिजोल्व की. ओके तो वो किसका एग्जांपल हो गया? गैस इन लिक्विड का. ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? CO2 इन वॉटर. CO2 इन वॉटर. दूसरा एक कॉमन एग्जाम्पल है ऑक्सीजन इन वॉटर. क्योंकि हम देखें तो जो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? कि जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना उसी से वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं.
तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर डिसोल्व हुआ है, तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या आएगा, ऑक्सीजन इन वाटर, O2 इन वाटर। चलो कंप्लीट। ओके अब है गैस सॉल्यूशन। हाँ, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, बाकी रह गया है सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन है वो ही फॉर्म में क्या हो गए, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। पहले लेते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड। ओके तो हमारे जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं तो वो गोल्ड होता है, एंड गोल्ड के अंदर सम इम्प्यूरिटी जो है वो ऐड करते हैं, लाइक कॉपर के, टीन के, कुछ भी। ओके तो वहां पे क्या एक अलॉय जो है वो बन गया, मतलब सॉलिड सॉलिड का मिक्सर जो है वो बन गया। ओके तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे अलॉय, एंड दूसरा लिखना चाहे तो ये लिख सकते हो CU प्लस जिंक, वो क्या बनाएगा, ब्रास। ओके कॉपर प्लस जिंक मिक्स होके जो है वो अलॉय बनेंगे, उसका नाम होगा ब्रास। अभी सॉलिड होगा लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, ये वाला एग्जाम्पल कौन सा होगा, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम। तो देखो मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे ऊपर देखे तो वो नॉर्मली कैसा है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, एंड सोडियम जो है वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। ओके तो यहाँ पे जो है वो मर्क्यूरी का अमालगम जो है वो तो लिखेंगे अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी HG ऑफ सोडियम, मर्क्यूरी को HG लिखते हैं। हाँ गैस इन सॉलिड, देखिए तो जो रस्ट लगता है ना आयन के ऊपर, जैसे कि रोड जो है वो हमारा आयन का कुछ रोड जो है वो बाहर पड़ा है तो उसके ऊपर रस्ट जो लगता है वो कैसे लगता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, तो ऑक्सीजन जो है वो सॉलिड के ऊपर प्रोसेस कर रहा है, मतलब गैस जो है वो सॉलिड के ऊपर है ना, तो गैस कैसी है, स्मॉल अमाउंट में है, और हमारा जो आयन का रॉड होगा वो कैसा है, लार्ज अमाउंट में। ओके तो वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये भी आएगा कि रस्ट वाली प्रोसेस जो है ना वो इसके एग्जाम्पल के अंदर काउंट होगी। एंड दूसरा जो है H2 प्लस पैलेडियम। ओके तो H2 जो है वो अपना हाइड्रोजन गैस, एंड पैलेडियम जो है वो कैसी है, सॉलिड फॉर्म में। ओके इट इज अ मैटर। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड उसके एग्जांपल। ये जो है वो आपको याद रखना है, एंड यहाँ पे हमें जो है वो पढ़ना है गैस जो है वो लिक्विड के अंदर सॉलिड होगा, एंड सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगा। ओके तो ये वाली दो टर्म जो है ना वो हमें पढ़नी है, एंड इसी दो टर्म के रिलेटेड जो है वो हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ जो है वो हमें पढ़ने हैं। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट ये वाले कि गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कैसे डिसॉल्व होता है, एंड सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कैसे डिसॉल्व होता है। ओके तो ये दो वाली टर्म जो है वो हमें प्रॉपरली पढ़नी है, बाकी जो है वो सब याद रखना है, एंड इसके एग्जाम्पल जो है वो आपको याद रखना है। एनसीईआरटी बुक में पूरा यही टेबल है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो आप याद रख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ MCQ जो है वो आ सकते हैं, बहुत ही इजी वाले MCQ है, बट आने की पॉसिबिलिटी है, सो डेट्स व्हाई इसे जो है वो आप याद रखो। ओके एंड बाइनरी सॉल्यूशन तो आपको पता ही है। ओके कई बार बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो उसका उस क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के अंदर पूछ लेते हैं। ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज के पूरे चैप्टर के अंदर जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है ना वो यूज होती रहेगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ लोगे ना तो न्यूमेरिकल जो है वो इजिली आप कैलकुलेट कर सकोगे। ओके तो थैंक यू वेरी मच, आपकी मेरी आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।